बेगूसराय में बीजेपी युवा मोर्चा ने विजय लक्ष्य 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के सह प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन पर महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी नेता एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और ये महागठबंधन नहीं ठगों का गठबंधन है, जिसमें सभी पार्टी एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। वहीं बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कन्हैया कुमार को हर बूथ पर जमानत जब्त कराने का काम करेगी। नितिन ने प्रियंका पर हमला करते हुए कहा कि अपने पति को बचाने के लिए प्रियंका राजनीति में आई है, साथ ही लालू परिवार को भी आड़े हाथों लेते हुए एक परिवार की पार्टी करार दिया। बेगूसराय के हर बूथ पर कैसे जमानत जब्त हो, इसकी लड़ाई लड़ेगा, इसकी पूरी रणनीति बनाएगा और हम अपने पार्टी के झंडे के तले ये तय सुनिश्चित करेंगे कि युवा मोर्चा का झंडा भी लहराए और पार्टी का झंडा भी लहराए और कन्हैया सिंह जैसे लाल सलाम को इस पूरे बेगूसराय की धरती से कवाड़ कर एक पूरे देश में एक संवाद देने का काम करेंगे। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ईवीएम पे हायतौवा मचाने वाले लोग वही हैं जो बंदूक के बल पर बैलेट को कब्जा करना चाहते थे। जो ईवीएम लाने वाले लोग कांग्रेस उस समय के लोग आज कहीं ना कहीं ईवीएम से इसलिए हायतौवा मचा रहे हैं, उनको मालूम है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए आज जनता के मैंडेट को किनारे करने के लिए कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, एक दूसरे के आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मायावती अखिलेश यादव को धोखा दे रही है, अखिलेश यादव राहुल गांधी को धोखा दे रहे हैं, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट को वहाँ धोखा दे रही है, यानी एक एक नेता एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ठगबंधनों का गठबंधन है और पूरी तरह से खुद को ठगने में लगे हुए लोग आज देश को जितने इतने 7 सालों में ठगा है, आज ये सारे ठगबंधन वाले लोग गठबंधन बना के चल रहे हैं। तो स्पष्ट कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने पति के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो राजनीति में आ रही हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिख रहा है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब फेल कर गए हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी अपना जमीन बचा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मुझे ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज राहुल गांधी के लिए चुनौती लेके आ रही है प्रियंका गांधी। पर ये जरूर बताना होगा कि जो भ्रष्टाचार का आखंड क्या रॉबर्ट वाधेरा का जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाले हैं, क्या उसको बचाने के लिए आ रही है? क्या राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस में जो लगातार भ्रष्टाचार चलती रही, क्या उसको बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी आ रही है? क्योंकि प्रियंका को केवल ये कह देना कि वो किसी की तरह लगती हैं इसलिए इस राजनीति में आ रही हैं तब तो अलग बात है, पर मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रियंका गांधी जी को ये बताना चाहिए कि जो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी रही है, जो उनके पति खुद घोटाले में लिप्त रहे हैं, क्या उनको बचाने के लिए वो आ रही है राजनीति में? ये राजनीति के कोई नए मापदंड को लेकर आ रही है। स्पष्ट कहता हूँ कि ये परिवार की पार्टी है, ये परिवार से ऊपर सोच ही नहीं सकती। और अब परिवार में भी दिक्कत क्या आ गया है, दो भाई में ये रसाकसी है कि मुझे पार्टी में अधिक से अधिक जगह मिले, तो मुझे तो लगता है कि ये लोग परिवार की जो पार्टी है अब आपस में बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टी का अंतिम यात्रा इस चुनाव में हो जाएगी। 2019 चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर युवा नेता भी अपने पार्टी के प्रचार करने में जुट गए हैं। इसलिए बेगूसराय से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर युवा नेताओं ने हमला तेज कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।